हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, जय परशुराम, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज मेरे लिए है एक और खुशी का दिन। सुबह सुबह की 7:30 हुई है और आज मैं उठ गया हूँ जल्दी। क्यों उठा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं इसलिए उठा हूँ क्योंकि आज मेरी बेटी का है स्कूल के अंदर पहला दिन। यानी कि कई ऐसे मौके होते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो उसमें से एक ये भी होती है कि जब आपका बेटा या बेटी पहली बार स्कूल जाते हैं, है ना। तो आज उसका फर्स्ट डे है, तो अब उसको करते हैं हम तैयार। और अभी सूर्य भगवान भी थोड़े थोड़े उजागर हो चुके हैं, तो जय सूर्य देवाय नमः। और अभी चलते हैं, उसको तैयार करते हैं, है ना। उसको ड्रेस वगैरह डालते हैं और फिर चलते हैं। उसकी वैन आएगी, फिर उसको छोड़ेंगे और देखते हैं आज उसका दिन कैसा जाता है। फिर जब आएगी उससे पूछेंगे कि उसका दिन कैसा रहा। आप लोगों को मैं बता दूं कि कल रात को मैं बिल्कुल भी नहीं सोया, लेकिन मेरे चेहरे पर कहीं भी ऐसी कोई शिकन नहीं है कि मैं नहीं सोया, है ना। ये देखो, आज गुस्सगमले की बात है। आज फर्स्ट दिन झलक नशली में नहीं हूँ कि जी में रहतेगी नशली के। अभी मैं नारी आवल आसे स्कूल जाने झलक को। तो गाइस ये देखो, सभी उठ चुके हैं। ये साईं भी आज तैयार हो गया है। वैसे यहाँ 8 बजे तैयार होता है और आज 7:30 बजे तैयार। 8 को भी लेट होता ही है क्योंकि 9:15 बजे वैन आती है दादू इसके। और ये पल्लू, पल्लू पल्लू बाय कर दे, बाय बाय करियो, बाय 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 करियो, कल तो बाय बाय कर दो, बाय। और मेरा बेटा नहा रहा है तो मैं दिखा नहीं सकता अभी, है ना। और मम्मी जी पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। मम्मी जी को लगा मैं बुला रहा हूँ। और ये हो गई है मेरी बेटी तैयार, और इसकी बहन ने दी है सॉक्स। तो ये देखिए गाइस, मेरी बेटी हो चुकी है तैयार अपना बैग लेके, और सबसे पहले ये जाएगी दादू के पास। ये देखो है, दादू है ही नहीं। दादू कहाँ गए? ओहो, दादू तो है नहीं। अब दादू को ढूंढ दिए, क्या करे है। ये कौन है? दादी के जा, हाँ दादी के पास जाओ, फिर जा करके आओ। अच्छा शूज डाले हैं, यही दूर से कर दो, फिर दूर से कर दो, दूर से कर दो, यहाँ से इधर से, इधर से कर दो, इधर से, इधर से। तो गाइस जल्दी उठ चुके हैं, झलक को मैंने तैयार कर दिया है। तो अब मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी जल्दी से अब तैयार हो जाता हूँ नहा धो के, और फिर देखते हैं क्या करेंगे। क्योंकि जब इसकी बस आएगी तब इसको बस में बिठाएंगे, और फिर मैं सोच रहा हूँ कि कहीं आज निकल जाता हूँ, क्योंकि जल्दी उठा हूँ, कहीं घूम आता हूँ यार, कई दिन हो गए कहीं गया नहीं। तो चलते हैं आज, देखते हैं कहाँ चलते हैं, कहीं चलेंगे, उसके बाद चलेंगे वहाँ से सीधा शोरूम। घूमते 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 फिर शोरूम पर चले जाएंगे हम। ओके, भरत सो रहा है, वो देखो पूरे रावण की तरह, वो सॉरी कुंभकर्ण की तरह सो रहा है वो। ओए भरत है, भरत है, ये पापा जी आ गए हैं नीचे, ये रे मम्मी है, सोने का है, जल्लू दादू आ गए, सोने का है, सोने, चलो चलो चलो, ये देखो, चलो दादू की बात सुनो, दादू कुछ बता रहे हैं। एक खुशखबरी सुना रहा हूँ, बहुत जरूरी बात है। आज जो है तो झलक मेरी पहली बार स्कूल जा रही है, इसलिए आज शाम को बहुत बढ़िया पार्टी, बहुत बढ़िया पार्टी होगी। क्या खाओगे? और वो देखो दादी के पास, वो सोच रही है मुझे भी जाना है, सबको बाय कर रही है बार 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 बार। और ये सारे खड़े हैं बाहर, ये देखो सड़क पे। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे 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 पीछे। यार इधर से आएगी वैन और इधर को जाएगी वैन। तो गाइस वैन आ चुकी है और मैं ऊपर चल चढ़ाने गया था, और कहाँ ये रहा, जल्दी करो। तो गाइस ये जा रही है मेरी बेटी और ये इसकी बहन खड़ी है यहाँ पर, दे दो दे दो दे दो। तो ये देखो इसकी बहन है, इसको मैं छोड़ देता हूँ अब फटाफट से, ये जाएगी।
और ये बैठ बाय और ये जाती हुई ये गई। आई एम सो एक्साइटेड। और ये गई मेरी बेटी की बस। तो गाइस बेटा तो चला गया स्कूल में और अब हम भी जा रहे हैं क्योंकि मुझे जाना तो था पहले लेकिन मैं सिर्फ जल्लू की बस का वेट कर रहा था। बाय कर दिया मेरे को बाय। ये देख लो बाय कर दिया अपने पापा को और चाचू को। और ये रहा इसका चाचू जो बहुत कम दिखता है वीडियो में ना, क्यों उठता ही 9 बजे है भाई साहब। ये क्या वीडियो में दिखाऊंगी, सोया रहता है। बाय माँ। तो अब चलाते हैं गाड़ी में भजन और उसके बाद चलते हैं। आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखा देता हूँ बाहर का। ये लो जी निकल चुके हैं और अब जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ जाके आपसे मिलते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको लेके आया हूँ हिसार की सबसे बड़ी मंडी, सब्जी मंडी के अंदर जो कि बहुत ही बड़ी है। और वो मैं आपको अब दिखाता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ जितना मुझसे होता है, ठीक है, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है और इसके बाद हमें शोरूम भी निकलना है और टाइम हो चुका है 9:20 का और 10:15 तक हमको शोरूम पे भी पहुँचना है। तो इसीलिए ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है इसका गेट और हम कर रहे हैं एंटर। और यहाँ हम आज क्यों आए हैं ये भी हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में, 75 नंबर। तो अभी चलते हैं और पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हमें जाना है। तो गाइज मैं यहाँ क्यों आया हूँ मैं अब आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर ना श्री श्याम बालाजी सेवादार जो है हर बारिश पे यानी कि द्वादशी पे लंगर चलाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। और यहाँ भैया भी होते हैं बट भैया भी कोई काम गए हैं तो मैं आपको यहाँ का नज़ारा और दिखाता हूँ। ये देखो मैं आपको मिलाता भी हूँ। जय श्री श्याम सुरेंद्र जी, जय श्री श्याम। और ठीक हो? तो ये है जी यहाँ पर ये हमारे सुरेंद्र जी हैं और बाकी आप इनसे बात करते हैं जी, श्री श्याम बालाजी सेवादार। और बारस पे यानी द्वादशी पे ये हर बार यहाँ पर लंगर लगता है जी। आप बल हरे के सारे की लखदा तार की। और यहाँ पर ये लंगर चलता, वो हर बार चलता है जी, ये हर महीने हर बारस को। ये देखो गाइस यहाँ पर बहुत ही अच्छी मात्रा में और शुद्ध तरीके से बनता हुआ आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये हिसार सब्जी मंडी में हर बारिश पे लगता है। हिसार का कोई भी बंदा अगर प्रसाद लेना चाहता है तो आ सकता है यहाँ पर। और अब जानते हैं सुरेंद्र जी से जानते हैं कि यहाँ पर सेवादार में जैसे कौन कौन क्या क्या है, क्या काम होते हैं, कैसे होता है, तो सारी चीज जानते हैं और ये बताएंगे हमें। श्री श्याम बाल। हाँ जी सर। श्री श्याम बालाजी सेवादार का ये मासिक भंडार है जी। सभी भाइयों के सहयोग से हर महीने बारस के ऊपर बाबा के बारस चांदनी बारस के ऊपर हर महीने लगता है जी। इसी में हर बार हम कभी कढ़ी चावल, कभी पूरी सब्जी, कभी ब्रेड पकौड़ा हर महीने लगाते हैं जी। सभी भाइयों का सहयोग है, मेरी सभी और भी हम सदस्य इसमें जोड़ रहे हैं जी। आप भी जुड़िए, सभी जुड़िए। श्री श्याम बालाजी सेवादार ये कब शुरू हुआ है सुरेंद्र जी? ये हमें जी पिछले 2 साल से लगा रहे थे जी। अभी सब्जी मंडी में अभी 3-4 महीने से कंटिन्यू है जी। ये मेरे भैया प्रदीप गोयल जी जो हमारे मेन सहयोगी हैं। प्रदीप जी आपका स्वागत है, आप बताएं थोड़ी। तो बताइए सर आपने कैसे ये शुरू किया अभियान यानी कि श्री श्याम बालाजी सेवादार? हम कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हाँ जी जी। भैया भी, सुरेंद्र भैया भी, हम जितने भी यहाँ के मेंबर्स हैं जी सर, कई संस्था से जुड़े हुए हैं।
यहाँ पर ये हुआ कि भंडारा लगाया जाए। क्यों लगाया जाए? क्योंकि यहाँ मंडी के अंदर लोग बहुत आते हैं और सुबह नाश्ते के लिए उनको कुछ नहीं मिलता। जी जी जी। तो फिर विचार किया कि बारिश पे कम से कम हम एक भंडारा तो यहाँ लगाए। हाँ जी हाँ जी। इसलिए यहाँ सुरेंद्र भैया, स्मित भैया, सुरेंद्र भैया कई जने हैं जिन्होंने बहुत विचार रखे, हमने फिर उसको अंजाम दिया, भंडारा लगाया। तो अपने इस सेवादार के अंदर कितने मेंबर हैं सर? इस सेवादार के अंदर हमारे 30 मेंबर हैं। ओके, ठीक है। तो कैसे, यानी कि जो इनका मेन जो है वो कैसे शुरू कैसे हुआ जी? मेन हमारे पास जी श्री एन के गोयल जी। अच्छा जी। संस्थापक, उनकी प्रेरणा से हम चल रहे हैं जी। ठीक है ठीक है। तो ये तो सुरक्षक प्रवीण अग्रवाल जी। जी जी जी। तो दोस्तों ये है श्री श्याम बालाजी सेवादार, जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर फ्री यानी कि प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। और हर बारिश पे होता है या हर महीने की? हर महीने बारिश पे होता है जी। तो आप भी प्रसाद ले सकते हैं हिसार की सब्जी मंडी में। जब भी आप आएँ तो ज़रूर प्रसाद ग्रहण करें। नंबर शॉप नंबर 75 नई सब्जी मंडी 75 नंबर शॉप जी। धन्यवाद सर। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भाजी। तो भाजी एक यानी कि आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा है और मैं ये सब बाबा की कृपा। जी जी जी। नहीं फिर भी सर देखो क्या होता है कि देखो बाबा की तो देखो हर किसी में कृपा है, बट उसमें से ना कुछ एक लोग होते हैं जो ऐसे उठ के आते हैं। तो एकदम आपने कैसे सोचा कि ये चीज का? जी 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 जी। जितने भी श्याम मंडल हैं जी सर से जुड़ा हुआ है। जी जी। सर से हमारा आपस में प्रेम है। हमारे सुंदर बाबी जी आए हैं जो प्रधान है श्री श्याम सेवा परिवार के। ठीक है जी। उनके नेतृत्व में कई ब्रांच बन चुकी है। पहले सभी श्याम सेवा परिवार के थे, कोई श्याम संत परिवार बन गया, कोई श्याम दर्शन परिवार है, अभी श्याम बालाजी सेवादार है। मतलब ये ब्रांच बढ़ती रहती है, मतलब सेवादार बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो नेत्र मंदिर भी फिर ज्यादा बनते हैं। किसान जगत में जो है ना आपस में बहुत प्रेम है और सभी आपस में मिलजुल के जो है बाहर लेते हैं। तो चलो धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया। और अभी प्रसाद का आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यानी कि बहुत ही शुद्ध तरीके से और बहुत ही अच्छी मात्रा में यहाँ पर हर बार अलग अलग तरीके के प्रसाद बनता है। जैसे आज कढ़ी चावल का है और यहाँ पर ये सेवादार हैं, यहाँ पर सभी सेवा करते हुए। श्री श्याम बाबूजी, तो श्री श्याम बालाजी सेवादार से आप जुड़े हुए हैं, तो आप कब से जुड़े हैं सर और कैसे आपकी ये जो यात्रा शुरू हुई? जुड़ा। अच्छा जी। सभी साथ हूँ काफी टाइम से। अच्छा जी। और आज पहली बार आया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी। बहुत बढ़िया काम है ये और मुझे खुशी हो रही है। मुझे आएगी मैं सुंदर बालाजी का, एन के गोयल जी का धन्यवाद करता हूँ। जिससे बागड़ी साहब का उन्होंने मुझे बुलाया इस काम के लिए। जी जी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप भाऊ जी? बिल्कुल जी। भाई साहब सब्जी मंडी से जी, शॉप नंबर 75 से ही जी। कब से जुड़े हैं सर आप? सुरेंद्र जी के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। अच्छा जी। कुछ टाइम से हम यहाँ से लगा रहे हैं। ठीक है। चौथा भंडार है? हाँ जी, चौथा भंडार है जी। लगातार निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा हर महीने। ठीक है सर। तो कैसा यानी कि कैसा एक फील होता है आपको ना ये चीज करके? क्योंकि देखो भगवान की आस्था की बात आ रही है। हाँ तो ये तो है जी। जी जी जी। और आओ जी आओ जी आओ जी। जय श्री श्याम बाबू जी। ये इन्हीं की ब्रांच फैली हुई है जी। हमारे प्रेरणा सभी लोग बढ़िया सेवा कर रहे हैं जी। जी बाबा की अच्छी सेवा कर रहे हैं। हर बार उसको भंडारा लगा रहे हैं जी। बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं बाबा, इनको बहुत आशीर्वाद दे। हाँ होना भी चाहिए बाबू जी। मैं तो कहता हूँ कि ये जैसे हिसार में चल रहा है ना, तो हर सिटी में होना चाहिए, हर सब्जी मंडी में होना चाहिए जी। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई ना कोई एक बंदा ऐसा हो जो उठे, ठीक है, भगवान के नाम पे सही, बट भूखा का अगर पेट भर जाता है ना तो बहुत बड़ी बात होती है जी। ये यानी कि एक कहने का मतलब ये जी है, पैसे से भी बहुत बड़ी चीज़ है, यानी कि एक वो चीज़। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जन सेवा ही होती है जी सारी चीज। तो आपको कैसे यानी कि कितने टाइम से जुड़े हुए सर आप श्री श्याम? हाँ जी हाँ जी। इन्हीं की प्रेरणा है कि मंडल सारे जितने भी हैं। हाँ जी हाँ जी। जी जी। चलो धन्यवाद सर, आपने हमें टाइम दिया। हाँ जी।
रोहित जी सारे की जय तीन बार धारे की जय। तो सर बताइए अपने बारे में कुछ, कैसे आप श्री श्याम सेवा से? कमल जी बहुत बढ़िया आदमी है जी, सेवादार है, दिल से सेवा करते हैं, पूजा पाठ बहुत बढ़िया समझे जी जी। और भगवान ऐसे बनाए रखे और पूरे श्याम पापा की कृपा बनी रहे, भंडारे जी 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 सभी में बने रहे सारे की जय। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय श्री श्याम। और गाइस ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही बड़ी सब्जी मंडी है ये। ये देखो मैं आपको एक्सप्लोर करता हूँ, जहाँ तक आपकी नजर आ रही है वहाँ तक की है सब्जी मंडी। और अब चलते हैं शोरूम पे गाइस, अब चलते हैं शोरूम पे क्योंकि 10:45 हो गया, 10-15 मिनट पहुँचने में भी लगेगी। और आपको मैं मंडी का भी थोड़ा सा कराता हूँ जी दर्शन। अरे सोरू का फोन आ गया, सोरू का भाई का फोन आ गया, भाई भैया का फोन आ गया। ये देखो दोस्तों मैं आपको मंडी दिखाता हूँ कितनी बड़ी है हिसार की। और अभी हम तो 9 बजे आए हैं, अगर यही हम आए होते ना सुबह 6 बजे 5 बजे तो यहाँ की भीड़ जो है ना यहाँ से दुगनी होती है जी, जितनी अब आपको दिख रही है इससे दुगनी होती है। ये देखो ये है डबड़ा चौक का पुल। ये देखो दोस्तों हम जा रहे हैं शोरूम पे और टाइम तो टाइम पहुँच जाएंगे, 2 मिनट पड़ी है 10 बजने में और यहाँ से 2 मिनट ही लगेगी पहुँचने में। स्पीड कमी है ये देखो ये देखो बीच में अंदर ही। ये देखो जी ये फोन चलाते हुए गाड़ी और नंबर तो क्यों दिखाया इसका। अब चलते हैं जी फटाफट। तो गाइस शोरूम पे पहुंच गए हैं, ये देखो ऑन टाइम। अब इसको खोलते हैं और अंदर चलते हैं, ये व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड, शोरूम खोलते हैं व्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं अगले व्लॉग में और देखते हैं आज सारे दिन में क्या होता है। तो आप मुझे बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, बाय।